Okay, students, sum number 5th. The last sum of practice set 2.2. Here it is given that line P, line L, and line Q. All those three lines are parallel to each other. This is given 40, and this is given 30, and we have to find out the value of x. Now, how to do this sum? It's very tough. Listen carefully. First, I'll explain you how the sums can be done. Listen carefully. First, I'll take these two lines. Which one? Line P and line L. Now listen carefully. This is what 40. Here I will write some alphabet. I will write here A and write here B. Actually, I have to find out x. So I break karo ye angle A or B. A or B ko find karke main x find karega. Okay. So I am taking here A. Okay. Now see here. Ye angle aur ye parallel line hai. Aur ye kaun sa hai? Opposite angle. Isko bolte kya hota hai? पैरेलल लाइन के अंदर अपोजिट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल ए और ये 40 ये कौन सा हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 40 तो ए इज इक्वल टू 40। ये कौन सा एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स। अभी दूसरा एंगल देखो सेकेंड लाइन ये लाइन एल और ये लाइन क्या आएगा क्यू। अभी ऐसा इधर मैंने क्या लिया है बी ये पूरा एक्स है वो बाद में देखेंगे ये बी है और ये कितना है 30 है। ऑपोज ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है और ये देखो ये कौन सा एंगल्स है ऑपोजिट एंगल्स है पैरेलल के अंदर है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 30 होगा कितना 30। तो ए का वैल्यू कितना इधर 40 है बी का वैल्यू इधर कितना आएगा 30 है। तो एक्स का मतलब क्या होता है ए प्लस बी। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना है आपने फाइंड आउट किया 40 बी का वैल्यू कितना मिला आपको 30 मिला देखो एंगल एक्स इज इक्वल टू 70। ये सिंपल मैंने किया है। अब इसको देखो कैसे मैं करूंगा एक बार एक्सप्लेन ये तो रफली एक्सप्लेन किया मैंने। अभी देखो मैं फेयर करता हूँ कैसा मैंने इधर दो एंगल लिया एक्स फाइंड करना है मतलब एक ब्रेक किया एक को ए लिया एक को क्या लिया बी लिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन क्या है मुझे स्टेटमेंट एंड रीजन लिखता हूँ। ओके फर्स्ट वन ए लिखा है ओके okay? अभी ए और 40 क्या कौन सा एंगल्स है एंगल ए इज इक्वल टू 40 कौन सा एंगल बोला मैंने अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि लाइन पैरेलल है ना तो ये एंगल पैरेलल के अंदर है और ऑपोजिट है तो उसके लिए ए इज इक्वल टू कितना होगा 40। फिर नेक्स्ट ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है तो ये भी पैरेलल के अंदर है और ये ऑपोजिट एंगल्स है तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। रीजन वही आएगा अल्टरनेट एंगल फिर मुझे फाइंड क्या करना है एक्स एक्स पूरा एंगल है तो एक्स के अंदर कौन सा एंगल है ए और बी। तो मैं थर्ड स्टेप क्या लिखूंगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्स का वैल्यू क्या दिया है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना तो ए का वैल्यू क्या दिया है 40 तो एंगल एक्स इज इक्वल टू ए कितना है 40 और बी कितना है 30 40 प्लस 30 कितना होगा 70 दैट्स इनफ। समझा स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। कुछ डाउट्स रहेगा तो अपन एक बार मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं सम। ओके स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट्स रहेगा तो बिकॉज ये चैप्टर्स आपको नाइन्थ में भी रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल ये सब है ना ये बेसिक है आपको नाइन्थ में और ज्यादा रहेगा उसके लिए कुछ भी डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछिए। ओके टेक केयर गुड बाय। इफ यू एनी डाउट्स आर देयर प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो। ओके चलो बाय गुड डे।